में प्रधानमंत्री जी आज आ रहे हैं और मुख्यमंत्री भी उस सभा में रहेंगे, दो सभा में, सासाराम में और भागलपुर में मुख्यमंत्री जी भी उनके साथ रहेंगे। और निश्चित रूप से जो कल कहा है कि जो एक कन्फ्यूजन वाली बात कहीं कहीं से आती थी, तो बिल्कुल क्लैरिटी इससे हो जाएगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि केंद्र में मोदी जी की सरकार और बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार रहेगी, तो ये तो कोरोना काल भी है, आर्थिक स्थिति पर भी एक तरह का प्रभाव है, तो इससे उबरने के लिए एक मजबूत सरकार होना आवश्यक है प्रदेश में भी, और जिसको केंद्र से टकराव वाली सरकार नहीं हो, केंद्र के साथ चलने वाली सरकार हो, उसका लाभ बिहार को मिलेगा। सर, जिस तरह से बीजेपी ने ये चुनाव में वैक्सीन फ्री में बांटने का बात कहा है, तो क्या लगता है कि इस तरह से ये चुनावी माहौल में इस तरह से बोलना ठीक रहता है? नहीं, तो वैक्सीन भाई, ये कहा कि वैक्सीन हम देंगे सबको बिहार में जितने लोग हैं, ये तो अच्छी बात है ना। विपक्ष तो हर एक चीज़ पर सवाल करेगा, ये तो अच्छी बात है कि वैक्सीन आएगा और सबको शायद अफोर्ड नहीं कर सके, गरीब गुरबा को दिक्कत हो, तो हर एक आदमी को हम लोग वैक्सीन देंगे। जान के बाद ही ना कुछ है, अनाज, नौकरी, पढ़ाई सब है जान के बाद, तो पहले जान बचाना और उसके बाद और बात आती है। तो अगर उसमें सरकार मदद करके सबको वैक्सीनेट कर देती है, ये तो बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस कार्यालय के सामने ही कल 8.5 लाख रुपए मिले आईटी के टीम ने छापा भी मारा है। छापा भी मारा इससे पहले भी विष्णु मान के पास, जहाँ के राजद के MLC रहते हैं सुनील सिंह, उनके दफ्तर के पास मिला था पैसा। किस तरह देखते हैं इनका मामला? कांग्रेस का तो इतिहास ही रहा ये सब काम करने का, देखते नहीं किस हाल में करता है। और निश्चित रूप से इनकम टैक्स हो, इलेक्शन कमीशन हो, सब अपना काम करता है चुनाव में। उनको एक्सप्लेन करना चाहिए कि इतना कैश लेके कहाँ घूम रहे थे। पहले भी आप देख चुके हैं कि कहाँ पर इतना बड़ा कैश एक पकड़ा गया था, गांधी मैदान के पास, तो कितना पैसा का खेल करने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन इतना मैं ज़रूर बता देता हूँ कि जो कल भी CM के साथ जो कार्यक्रम वगैरह हुआ, जो मूड है लोगों का, वो मूड बिल्कुल क्लियर कट स्पष्ट है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार अगली NDA की बनेगी।